यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक ऑन स्मूफिंग वायरस। तो गाइस आज हम वापस आ गए हैं आपके पास पुराने GTA 4 का एक ताज़ा फ्रेश और बिल्कुल गरम गरम गेम प्ले लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ हमारा आज का गेम प्ले। ये देखो यहाँ स्टार्ट होता है हमारा आज का गेम प्ले। जैसा कि आपको देख रहा है कि नीको बैठ चुका है भैया अपनी ये कन्वर्टेबल गाड़ी में। मतलब यहाँ पे इसमें कन्वर्टेबल होते नहीं है, बट आप बोल सकते हो कन्वर्टेबल इनको, क्योंकि ये बेचारा टेक्नोलॉजी की वजह से कन्वर्टेबल नहीं बन पाए, वरना बनने उन्हें कन्वर्टेबल ही था। और ये देखो कितनी फास्ट था हमारा पहला मिशन जहाँ हम पहुँच चुके हैं। भैया ये वही बंदा है हनी सिंह और बप्पी लहरी का मिक्सचर जिसके हम ये मिशन कर रहे हैं। स्ट्रीट स्वीपर झाड़ू लगवा ले हमसे, सब कुछ ही करवा लियो बेटा एक दिन, ठीक है। अबे गाड़ी कहाँ गई हमारी? अबे यार नहीं यार, ये एक चीज़ गलत करते हैं। देखो यार GTA 4 वालों, ये चीज़ गलत है। मतलब तुम जो करना करो, लेकिन जो गाड़ी इतनी मेहनत से GTA 4 में दिक्कत है, अगर आप लोकेशन पे गाड़ी नहीं रोकोगे मतलब घर के बाहर, तो वो गाड़ी आपकी गायब कर देते हैं। वही है GTA 4 की कुछ चीज़ें अच्छी हैं कुछ चीज़ें ख़राब हैं, बट अब क्या करें, खेलेंगे हम क्योंकि लॉकडाउन है, हम और कुछ नहीं कर सकते खेलने के अलावा। अनलॉक सिर्फ भैया वो आपको भ्रम करने के लिए है, बाकी चलिए लॉकडाउन ही रहा है, ठीक है। लॉकडाउन मतलब कोई लगा नहीं रहा है अपना, तुमको ज़िंदा रहना है तो भैया लॉकडाउन में रहो। क्लीन आउट द गैंग मेंबर्स। अच्छा तो भैया कहाँ से मारे इन्हें? औजार तो हमारे पास सारे हैं, ठीक है। ये देखो RPG भर दिया, अरे भर दिया भाई। अबे भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, अबे भागना मत भागना मत, भाग गया यार ये तो। ओ भाई पुलिस, अबे ओए भाग, अबे पागल यार, ये कतई बेवकूफ़ किस्म का आदमी यार नीको भी। यार नीको देख, ये सब चीज़ें तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं होती यार, ये सब काम मत करा कर प्लीज़ भाई। मार रहा है तो मार उसको, मार यार। यहाँ पे पुलिस भी बहुत आ गई, क्या हो गया? भाग भाग भाग, निकल पहले यहाँ से निकल, वापस आएंगे घुमा के। गाड़ी पंचर कर दी है यार इन लोगों ने। ये पुलिस भी ना, पुलिस को कुछ नहीं है, पुलिस को अपना न्योछावर चाहिए बस। अभी पैसे मिलेंगे हमें जेल से छोड़ देंगे, एक ढंग का काम नहीं इन पुलिस वालों का। या तो अबे वही कर लो, देखो पुलिस ने हमारा काम कर दिया, जिनको जिन बंदों को हमें मारना पुलिस ने मार दिया। मतलब कभी कभार होता है इस गेम में कि भैया आपकी हेल्प भी हो जाएगी और आपके साथ गेम भी हो जाएगी। जैसे अभी हमारा फ़ायदा होगा कि जिन बंदों को हमें मारना था उनको पुलिस ने मार दिया, और अब हम सीधा वो जो गाड़ी भाग गई थी जिसपे हमने RPG का अपना वो छोड़ा था पूरा, ग्रेनेड लॉन्चर भी नहीं बोलते यार उसे, तो कुछ और ही बोलते हैं, खैर जो भी बोलते हैं। मम्मर अबे यार ये क्या हुआ, मैं उनके पीछे ही तो था, वो भाग कैसे गए? अब हमें ट्राई अगेन करना पड़ेगा गाइस। तो इस बार हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस बार हम सीधा पहुंचेंगे उनकी लोकेशन पर। ये देखो गाइस हम पहुंच गए उनकी लोकेशन पर। इस बार की हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि इस गाड़ी को नहीं भागने देना, इस गाड़ी को ही हम सबसे पहले फोड़ेंगे ताकि ये भाग ही ना पाए यहाँ से। ये गाड़ी भागने की कोशिश करेगी, हम उनको मार देंगे। बट गाड़ी भागी, ड्राइवर मार दिया, हमने जो गोली चला था वो भी मार दिया। भागो भागो, कहाँ जा रहे थे बेटा? नानी के घर जा रहे थे बेटा, नानी के घर ऐसे नहीं जाते। अगर ये जो नानी के घर निकल रहे थे इनको तो हमने मार दिया। अब ये छोटे मोटे टटपूंजे बचे हैं यहाँ पे, इन टटपूंजों को गेम में बजाना है। ओ बेटा बाहर निकल बाहर निकल, कहाँ से अंदर से चला रहा है, बाहर बाहर क्या हुआ, डरता है क्या इतना? बाहर बेटा चल चुपचाप जल्दी से। हो गए क्या यहाँ पे? नहीं बनते हैं, अभी दो तीन बचे हैं। अरे ये भाग रहा था देखो, अरे अपने साथी को छोड़ के क्या चोर बनेगा? अबे यार यहाँ पुलिस गंदी पड़ गई है, लेकिन ये पुलिस गोली भी चला रही है, ये मार देगी। अबे हमने क्यों पुलिस को? ओहो मिशन पास, भैया मिशन तो हमारा पास हो गया, लेकिन ये हमारा टायर फोड़ चुकी है पुलिस गाड़ी का, नहीं बच पाएगा। नीको तू यहाँ मर जाएगा पक्का, देखो भाई जो मर्जी हो हमारा मिशन पास हो चुका है, हमें बाकी कुछ नहीं। देखो हमारा एक टायर पूरा फटा पड़ा है, दो टायर फटे पड़े हैं पूरे, पता नहीं कहाँ तक ले जा पाएंगे हम इस गाड़ी को, खचाड़ा को। पीछे भी पुलिस की गाड़ी इतनी लगी है कि हम रोक के अगर गाड़ी बदलना भी चाहें तो नहीं भाई, नहीं बचेंगे मेरे हिसाब से, नहीं बचेंगे बिल्कुल भी। गए यार नहीं, ये पकड़ लिया क्या? नहीं अभी गोली तो नहीं चल रही। अबे यार ये गाड़ी लेके भाग गया। अबे यार ये पुलिस भी, ये गई बेटा, मैं मारना नहीं चाहता तुम्हें, चले जाओ, चार स्टार देंगे, हेलीकॉप्टर भी पीछे लग जाएगा, सिर्फ यही रीज़न है मेरा भाई। ये सामने से गोली मार रहे, पेल नहीं। नीको भाग नीको भाग नीको भाग, नहीं 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 रुक, भाग गया नीको भाग गया। अबे ये क्या हुआ यार, ये बदतमीजी हो गई हमारे साथ पुलिस वालों की साइड से।
और ये देखो इतना सस्ते जुगाड़ है, मतलब तुरंत रिकवरी, अंदर गया बंदा तुरंत रिकवरी। अभी मरे थे हम 2 सेकंड पहले, कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं था। ओ भाई ओ भाई, अबे अभी हॉस्पिटल से निकले हैं, ओ पागल आदमी, ओ ओ ओ चचा ओ, अबे रुक जा बेटा, देख तेरी गाड़ी तो अब पक्की गई तेरे हाथ से। ये देखो पुलिस वाले, हमेशा मुझे पकड़ लो हैं, तुम्हें नहीं दिखता हूँ, मेरे को घसीटता वाला आता है, उसे कुछ नहीं बोल रहे हो, मेरे को पकड़ने आ गए यहाँ पे बदतमीज, जो आ जाओ। अबे वन स्टार है, वन स्टार पे तो हम तुम्हें भगा देंगे अपने पीछे पीछे। तो चलो गाइज अब हम चलते हैं अपनी लोकेशन पर। आपको लोकेशन दिख नहीं रही होगी बट मैं बताता हूँ हम कहाँ जाएंगे। हम जाएंगे इंटरनेट कैफ़े, उसका रीज़न है फ्रेंच टॉम बंदा, याद है? नहीं याद है तो प्रीवियस गेम प्ले देखो, याद आ जाएगा। उसको डेट करना था हमें, तो अब हम सीधा चलते हैं इंटरनेट कैफ़े और वहाँ से फ्रेंच टॉम के साथ जो मीटिंग है उसको करते हैं हैप्पन। तो गाइस ये देखो नीको अपनी भड़बड़ भड़बड़ बुलेट पर आ रहा है, और देखो सीधा पहुँचने वाला है यार। एक बाइक वैसे सीरियसली मैंने उसको मतलब काफ़ी पहले वो गाड़ी छोड़ दी थी और ये उठाई थी, ये बाइक काफ़ी अच्छी है। अगर आपको GT4 में मिले तो इसको सेव करके रख लेना, क्योंकि इसे चलाने का मज़ा अलग है और उतने कंफर्टेबल भी है यार, ये गिरती नहीं है, इतनी स्किट नहीं मारती बाकी बाइकों की तरह। वरना GT4 की ये दिक्कत है कि यहाँ के जो व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा स्किट मारते हैं। तो भैया हमारे पास 9 मेल हैं जिसमें से ऊपर वाली फ्रेंच टॉम की भी है, इसको अभी हम खोल के पढ़ते हैं, उससे पहले हम बाकियों की मेल का रिप्लाई कर देते हैं। इसमें ये भी ज़रूरी है यार, अगर आप मेल का रिप्लाई करते रहोगे ना तो आपको जॉब्स मिलती रहेंगी, जैसे ब्रूसी जो हमें मोस्टली जॉब्स है चोरी चकारी की वो यहीं मेल के थ्रू ही देता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं जल्दी से ये मेल वाला सारा रिप्लाई कर दूँ सबको। गाइस ये वही ज़माने है जिसमें ऑर्कुट चलता था, हमें ये सब देखो जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ऑर्कुट के टाइम पर ये सब चलता था इतना लंबा चौड़ा कांड। ये देखो यहाँ पे हमें ब्रूसी ने दे रखी है जॉब, जो कि हमें एक PMP 600 उठानी है, इसका तो हम चुरा लेंगे। ओके ब्रो ब्रूसी, यहाँ से ब्रूसी हमें देगा पैसा। अभी हमारी टॉम के साथ भी डेट फिक्स हो गई है और अभी हमें सबसे पहले जाना है PMP 600 उठाने के लिए। तो चलो जल्दी से लेके पहुँचते हैं हम नीको को PMP 600 लेने के लिए। तो गाइस देखो वो खड़ी लेफ्ट में ये गाड़ी हमारी PMP 600, ये चुरा के हमें ब्रूसी को देनी है। ब्रूसी भैया आपको पता ही है, जब हमारा दोस्त है तो इतना शरीफ तो हो नहीं सकता कि कोई धंधा आराम से कर ले, नहीं चोरी चकारी कर। अबे गोली चलाएगा बेटा, बहुत मारेंगे। चलो इसकी गोली ने हमें हिट नहीं करा, तो हम ये गाड़ी लेके जाते हैं ब्रूसी के पास। और भैया जो ब्रूसी का जो लॉकअप है वो यहाँ से है काफ़ी दूर, तो आपको पता है कि ये रास्ता तो आप देखना चाहते नहीं, ये मुझे भी पता है। तो मैं जल्दी से आपको सीधा लेके पहुँचता हूँ ब्रूसी के लॉकअप पर। तो भाई ये देखो ये हम पहुँच गए ब्रूसी के लॉकअप पर, और हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ गई है कि हमें जाना है फ्रेंड फॉर्म से मिलने के लिए, जो हमारा उससे टाइम फिक्स हुआ था उस टाइम पर हमें पहुँचना है। तो यहीं पर है वो फ्रेंच टॉम आसपास ही, हमें सीधा उसको जाना है। देखो आपको डेट का हार्ट का मार्क दिख गया, हमें यहाँ जाना है, पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो जल्दी से हम पहुँच जाएंगे। बस ये जहाँ पे ब्रूसी का लॉकअप है ये जगह थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, तो वही फटाफट से पहुँचते हैं हम ब्रूसी के पास। नहीं यार ये गाड़ी नहीं, बगल में से गई है अभी ब्लू कलर की अच्छी गाड़ी PMP 600, वही चुराएंगे हम बेटा। मत आ मत आ, मौत को दावत दे देगा अपनी, मत आ। आगे गई है पूरी देखो ब्लू कलर की, रेड कलर की पीछे जो है, हमें ब्लू ही पसंद है, रेड वैसे अच्छी लग रही है बट अब हम ब्लू लेंगे क्योंकि बोल दिया। ठीक है, अबे यार यही चीज़ होती है, जब तुम्हें कोई चीज़ दिल से चाहिए होती है ना तो सारी कायनात तुम कोशिश कर देती है कि तुम वो चीज़ ना ले पाओ, बट तुम भी अगर ज़िद्दी हो तो तुम ले लोगे। इट्स डिपेंड ऑन यू, इट्स नॉट डिपेंड ऑन कायनात। ठीक है, ये सब जो बॉलीवुड में दिखाते हैं ये कचरा चलता है, वो बस एक कचरा अच्छा था जो लगान में था, जो फिरकी मार देता था बॉलों की, बाकी सब कचरा ही है, सिर्फ एक यही है जो कचरा नहीं है, बाकी सब कचरा ही है। तो चलो गाइस अब सीधा जल्दी से पहुंचते हैं हम फ्रेंच टॉम की लोकेशन पर। तो गाइस ये देखो ये हम पहुंच ही गए, ये वही जगह है जहाँ पे हम क्या था मिशेल के साथ, देखो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं आती यार नीको को, मिशेल के साथ हम फर्स्ट डेट पर आए थे, ये वही जगह है जहाँ पर हमें फ्रेंच टॉम से मिलना है। और यहाँ पर हमारी जितनी डेट हुई है वो अच्छी नहीं गई है, तो ऑब्वियसली ये वाली डेट भी अच्छी नहीं जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। अब वो लड़की थी तो चलो उसको माफ़ करा था, ये लड़का है तो क्या करेंगे, ठाएँ 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 3 गोली चला देंगे, फिर इसके साथ भी बड़ा वाऊँ 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 हो जाएगा। इस साइड तो नहीं बेटा, वो देखो वो बैठा कोने वाली सीट पे, बेटा कॉर्नर सीट बहुत पसंद है तुझे, हैं
ओहो साला, ये कितना चीपड़ा गंदा आदमी लग रहा है। इसको तो पहली फुर्सत में गोली मारो यार। इतनी बातें भी क्यों सुने हम इसकी। गोली मार निको, उठ निको, गोली मार। ये देखो आगे हमारे पास नोटिफिकेशन कि हम ई को प्रेस करें और अपनी जॉब करें। चल भाई निको, उठ जा। निको को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। बेटा निको, अगर ऐसा निकला ना तू, तुझे बम से उड़ा दूंगा। अबे भाग। देख फ्रेंड्स टॉम, ये चीज़ गलत करी तूने। अगर तू एक बार चांस लेता, हो सकता है अगर तू प्यार करता था भाई रुकता। तू तो भाग गया यार, तू तो दोस्त कहलाने लायक नहीं निकला। और ये फ्रेंड्स टॉम के बंदे हैं गाइस जो मेरे पे शूट कर, ओ भाई ये मार देंगे मुझे। भागो यहाँ से, ये मुझे ख़त्म कर देंगे यार। मैं निकल लिया यहाँ से, मैं बच गया। मैंने वहाँ पे पंगे इसलिए नहीं लिए क्योंकि पुलिस पीछे पड़ जाएगी, फिर वही है टाइम वेस्ट अपना। तो भाई हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, क्यों करें, क्यों करें, क्यों करें। तो गाइस ये हमें जाना है ब्रूसी के पास। ब्रूसी हमें बहुत मिशन देता है यार, ब्रूसी ने हमारा बड़ा पागल बना रखा है। ठीक है चलो कोई नहीं यार, ये ब्रूसी मिशन देता है, पैसे भी नहीं देता। लेकिन यार ये भाई है ना, भाई को कुछ कह भी नहीं सकते। ये देखो यहाँ पे एक नीला नमूना है। अब चलो पहले इस नीले नमूने से निपट लेते हैं। हाँ भाई नीले नमूने, बोल क्या दिक्कत है तेरी। तो भाई ये नीले नमूने से हमारी बात तो हो गई है, और जैसे इससे बात हुई हमारी हल, तो हमें आर्मर मिल गई है क्योंकि इसे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। जो इसे परेशान कर रहे हैं ये हमसे कह रहे हैं उसे मार दो, तो हम उसे मारने जा रहे हैं उन बंदों को, ताकि फिर इस बंदे को कोई परेशान ना करे। ठीक है अब भाई बेचारा अकेला बंदा है, चार बंदे मिलके इसके साथ इसको रोस्ट कर रहे हैं, इसको बुली कर रहे हैं। तो ठीक है भैया, वो बुली कर रहे हैं तो हम बैल हैं, हम मार देंगे नीको को, तो आप जानते ही हो। ठीक है कैन यू क्लियर थिंग्स। देखो यहाँ पे कैसे होता है मौत का नंगा नाच। ओहो नीको कह रहा पैसे देने आया हूँ। और ये कौन है बंदे, तीन बंदे हो बस, इनको बताओ। हमने जो फॉस्टिन जैसे बंदे की पूरी गैंग ख़त्म कर दी एक बारी में, तुम तीन बंदे लेके हमारे पास आ रहे हो। अबे बेटा ऐसा मारेंगे, पानी नहीं मांगोगे। ठीक है ये देखो एक एक पम्प शॉटगन के एक एक शॉट पड़ रहे हैं और ख़त्म ख़त्म भाई, मिशन ओवर। इतना ही काम था हमारा इसके साथ। ये हमसे लड़ने आते हैं फिर, जरे से लौंडे नहीं हैं, जरे जरे से, और हमसे लड़ने आ जाएंगे। अब हमें इसे इसकी वापस जगह पे छोड़ देना है और हमारा मिशन शायद से क्लियर हो जाएगा। वैसे इसकी वजह से हमारे के साथ एक कारण बड़ा अच्छा हुआ कि हमारी हेल्थ बहुत कम थी, और इसके इस मिशन को अटेम्प्ट करने से हमें आर्मर भी मिली, मतलब लेवल 3 की वेस्ट मिली, और पूरी की पूरी फर्स्ट एड किट मिली, मेडिकेट जिसे बोलते हैं, और हमारी हेल्थ फुल हुई। यहाँ पर थोड़ी छोटी सी फाइट ली और थोड़ी सी लेवल 3 की वेस्ट चली गई, बाकी सब कुछ अभी है। तो अब हम इस बंदे को सीधा इसकी लोकेशन पर छोड़ के हम जाएंगे सीधा अपने भाई ब्रूसी के पास, क्योंकि ब्रूसी का मिशन अभी अधूरा है। तो चलो गाइस इसको छोड़ते हैं। तो अरे इसका तो आ ही गया, ये रहा सामने इसका। चल बेटा तू उतर, हाँ उतर जा, चलती गाड़ी से कूद जा, चल 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 चल, जल्दी कर बेटे, फालतू टाइम नहीं है हमारे पास यार। गाड़ी रुकवा दी, तेल तू भरवाएगा अब। और ये पैसा कितना देके जा रहा है, तू पहले पैसा बता। भाई साहब $500 देके गया है। चल कोई नहीं, तुमने उस टाइम पर हमें हेल्थ और एवेस दी जिस टाइम पर हमें बहुत ज़रूरत थी। तो गाइस अब बिना किसी समझ जाओ सीधा चलते हैं ब्रूसी के पास। तो गाइस देखो ये हम पहुंच गए ब्रूसी के पास। नंबर वन मिशन का नाम तो बड़ा अजीब सा, कोली नंबर वन करवा रहा है हमसे। यार ये कतई पागल है, मैंने आपसे 100 बार ही बोल दिया जब भी आओ ये कुछ ना कुछ करता रहता है, और इतनी खास तो वैसे इसकी बॉडी भी नहीं है। अगर इतना ही करता है तो हाँ हमें पता, तेरे को व्हील चाहिए, पहिए पे बिठा दूँ, है साइकिल डंडा मार मार के चलेगा आगे, बेवकूफ़ आदमी। गो एंड कलेक्ट द रेस कार। ओहो सो इट्स गोइंग टू बी अ फर्स्ट स्पोर्ट्स मॉडल, अपने पास पहली स्पोर्ट्स कार आने वाली है भैया। तो चलो जल्दी से पहुँचते हैं उस लोकेशन पे। तो गाइस ये देखो ये हम पहुँचने, रेड कलर वाली है क्या, नहीं पीछे 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 तो देख। और भाई मेरे हिसाब से नहीं कॉमेट है, क्योंकि देखो दिक्कत ये है कि हमने पहले करा GTA 5 स्टार्ट और फिर करा GTA 4 स्टार्ट, जो कि मैं मानता हूँ कि थोड़ा सीधा काम है, तो मैं उल्टे काम नहीं करता, मैं सीधे काम ही करता हूँ। ठीक है और ये कॉमेट हमें इसलिए पता चल गई थी क्योंकि GTA 5 में सेम ऐसी ही गाड़ी को कॉमेट बोलते हैं, जिसको माइकल ने एक बार कराया भी था। अगर आप GTA 5 नहीं देखते हो तो देख तो जाके भैया, वो भी एक अलग ही लेवल का बवाल है। अब हमें जाना है रेस करने, और जब तक हमारी रेस स्टार्ट नहीं होती हमें गाड़ी रखनी है सुरक्षित, साफ़ और सुरक्षित। भैया देखो
कोई ठोकेगा ना तो देखो गड़बड़ हो सकती है। देखो हम कितना संभाल संभाल के चला रहे हैं इस गाड़ी को, और ये जहाँ से रेस स्टार्ट होनी है वो भी बहुत पास ही है, तो इसीलिए हम कोई रिस्क या बिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हमें अपनी गाड़ी चाहिए बिल्कुल साफ सुथरी। और वैसे इस गाड़ी की कंट्रोलिंग बाकी गाड़ियों में कंपेरेटिवली बहुत सही है यार, मतलब एक चलाने में आपको भी दिख रहा होगा कि थोड़ी सी इन्फर्नस। भैया पैसे वाले लोग आए हैं यहाँ तो सारे, हमें तो पता ही नहीं था GTA 4 में भी इतना पैसे वाले लोग हैं। हमें लगा फॉस्टिन मर गया तो अब सब ख़त्म, यहाँ गरीब ही गरीब है। तो भाई ये अच्छा ठीक है, हमें रेस करनी है और रेस में हमें नंबर वन आना है, इसलिए इस मिशन का नाम है नंबर वन। अब जब तक रेस चल रही है हमारी गाड़ी को कुछ भी हो हम कोई दिक्कत नहीं लेंगे। नहीं हमें सामने चेक पॉइंट दिख रहा है, हम चला लेंगे चेक पॉइंट। भाई क्या यार, नहीं पीछे हो गए हम। ओ ओ ओ भाई इन्फर्नस वाला तो अलग ही कंप्लाई विद में डाल रखा है तूने, है GTA वाई सिटी है ये, कंप्लाई विद में करके उड़ेगा तू बेवकूफ। आ जा भाई, चल तू पीछे हो भाई, सीधी सड़क पे नहीं चला सकता तू हमसे तेज। देख मोड़ पे तू निकाल लियो आगे, अभी हमें जाने थे। देख देख तेरी भी पीली हमारी भी पीली, किसी को पता नहीं चलेगा कौन है आगे, ठीक है। अगर तू पीछे नहीं हुआ तो तेरे में से निकल जाएगी पीली पीली, समझ गया ना तू, इसलिए अब चुपचाप हमें जान दे आगे। तो यहाँ हमने अपनी पोजीशन कर लिया भैया सिक्योर, हम आ चुके हैं फर्स्ट। अब कर दो ख़त्म कर दो रेस। ओ भाई मुड़ गए, अब नहीं अभी नहीं अभी, चलने दो चलने दो रेस, चलने दो जैसे चल रही चलने दो, अभी नहीं करनी ख़त्म। थर्ड फोर्थ हाँ सिक्स्थ कर दो हमें, आठवें पोजीशन पर भी कोई होगा। ये इन्फर्नस वाला बड़ी उसमें है साहब, मर जाएगा। अब फिर ये पीला वाला, पीले वाले भाई हाँ देखो पीला वाला थोड़ा समझदार है, उसे पता है कि पंगे लूँगा नीको गोली मार देगा, ठीक है। नहीं है भाई ड्राइविंग अच्छी क्या करे, बट शूटिंग तो अच्छी है ना, तो उसी के दम पे हम सब कर लेंगे। हमारी शूटिंग अच्छी है हम सबको मारेंगे, जो हमें हराने की कोशिश करेगा हम सबको मार देंगे। इसलिए अगर हम पैदल भी जाएँ ना इस गाड़ी को धक्का लगाते हुए मिस्टर बीन की तरह, तो भी हमसे आगे निकलने की कोशिश मत करना भाई कोई, क्योंकि तुम बेशक पैर अच्छे चलाते हो पैडल पे, लेकिन हम गोलियां बहुत अच्छी चलाते हैं गन पे, तो समझ रहे हो ना क्रोनोलॉजी। तुम यहाँ आगे निकलोगे तो हम पीछे से गोली मार देंगे, अगर तुम पीछे रहोगे तो हम गोली चलाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें तो आगे जाना है, हम पीछे देखेंगे ही नहीं। क्रोनोलॉजी को समझिए आप, बस ये क्रोनोलॉजी अगर आप समझ गए ना तो सब अच्छा लगेगा। देखो अब हमसे कौन ही जीतेगा, जीत गए हम यहाँ पे, ये बात। अरे मिशन क्लियर हो गया क्या, ये बात कि हमारा यहाँ पे मिशन भी क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। आई फकिंग लव यू, ये व्हाट काइंड ऑफ आई एम नॉट योर यार, ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है हमारे साथ। अरे ये देखो यार, ये ब्रूस ही के ना बहुत नखरे हैं, बहुत नखरे हैं, अब इसको इसके घर भी छोड़ कर आओ। तो भाई ये देखो हम ले आए ब्रूस ही को उसके घर, और जानता हूँ आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट कोई बात नहीं यार गाइस, समझते हैं। अभी लास्ट वाली वीडियो मैंने थोड़ी छोटी डाल दी थी 10 मिनट की, तो यहाँ पर कंपनसेशन कर दिया है उसका पूरा पूरा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो क्योंकि रेस जीते हैं भैया आज, हम आज तो लाइक करना बनता है। और हो गया भैया देखो मिशन भी क्लियर, ब्रूस ने थम्स अप दे दी हमको। तो गाइस चलो आज का गेम प्ले हम करते हैं अपना अब यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे ट्यून्ड विद स्मर्फिंग वायरस, और खेलते रहिए बिना किसी चीट कोड के साथ। थैंक यू।